प्लीज आप लोग अपना वीडियो ऑफ रखिएगा व्हाइल द सेशन इज ऑन, एंड देयर मे बी सम प्रॉब्लम विद द फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन, और फिर लैग और स्लैग हो जाएगा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी. सो नाउ आई विल इंट्रोड्यूस यू टू राहुल कुमार जी. राहुल कुमार जी इज एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन बट अ ग्रेट रोजेरियन एंड एन एडीनियम ग्रोअर बाय पैशन. He is also the Vice President of Indian Rose Federation. और हमारे शो में तो पिछले कई सालों से ये रोज कैटेगरी की जजिंग लीड करते हैं. वहीं से इनकी इंट्रोडक्शन हुई. एक्चुअली फेसबुक पे इनके एडीनियम्स देखे, इतने ज्यादा मल्टीपल ग्रोथ होती थी उनकी. हमारे में तो एक या दो फूल आते थे, उनके में बंचेस के बंचेस आते हैं. तो इसलिए आज उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें भी थोड़ा सा वो सीक्रेट बताएं जिससे हमारे एडीनियम्स भी इतने खिल के आए. राहुल जी, आई मस्ट टेल यू, नोएडा में जरूर पानी मैडम, की दिक्कत जरूर है, मगर एडीनियम्स के लोग बहुत पागल हैं. आप देखें हमारी डेली बिल्कुल फीड में कम से कम और कुछ नहीं तो 10-15 पोस्ट एडीनियम्स की सीजन में आई जाती हैं, जैसे कि आज भी आई थी. सो जी 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 ओवर टू यू, आपकी प्रेजेंटेशन है हमारे होस्ट के पास, तो अगर आप कहते हैं तो पहले उसका फर्स्ट ग्लिम्प्स दे दें या साथ साथ करते चले हाँ, जाते पहले हैं? फर्स्ट ग्लिम्प्स दे दें, फिर हम हाँ जी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर. और वैसे आज माथुर साहब भी हैं हमारे साथ, उनका नाम दिखाई दे रहा है मुझे, अच्छा मैं अच्छा हाँ जी माथुर माथुर साहब को साहब नमस्कार मैं. मेरा। चलिए अपना विवेक, उनका प्रेजेंटेशन दे दें प्लीज. दीपा जी एक बार क्या मेरे को करता हूँ जरूर आप बता देंगे तो हाँ मैं जी स्टार्ट कर दूंगा। हाँ जरूर. विवेक जी प्रेजेंटेशन दे, आप शुरू करें सर. वो प्रेजेंटेशन डाल रहे हैं, स्क्रीन शेयरिंग करेंगे अपनी. ठीक है, अगर अभी मुझे मैं मिल शुरू करूंगा। आप बताइएगा अगर दिख रही हो मेरे स्क्रीन। हाँ जी आ गई आपकी, वेबिनार ऑन एडीनियम्स करके ठीक जी इंट्रोडक्शन जी पेज दे दीजिए. इंट्रोडक्शन जी आप सबों को मेरा नमस्कार। अभी हम लोग एडेनियम पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं एडेनियम क्या है इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद इसको कहाँ पे लगाना चाहिए और किस तरह से इसकी सिलेक्शन एडेनियम का सिलेक्शन करना चाहिए और इसमें फिर किस तरह के मीडिया में ज़्यादा अच्छा एडेनियम हो सकता है इस पर हम डिस्कस करेंगे। इनको खाना कैसे खिलाना है, इनको पानी कैसे देना है और इनका जो पेस्टिसाइड है या इंसेक्टिसाइड की कब जरूरत पड़ती है और कितने मात्रा में देना है और उसके बाद एडेनियम्स के अंदर जो बीमारी लगती है। कई बार हम एडेनियम्स को देखते हैं कि वो ऊपर से बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंदर ही अंदर वो खत्म हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, इन सारी चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एडेनियम का इंट्रोडक्शन दूंगा। एडेनियम बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत जेंटल प्लांट है, ये कभी कुछ डिमांड नहीं करता, गार्डन फ्रेंडली है और गार्डनर फ्रेंडली भी है। कभी इसकी कोई अपनी कोई डिमांड नहीं होती है, आप इसको केयर करो तभी भी ठीक है, केयर नहीं भी करोगे तभी भी ठीक है। इसके लिए हर हाल में ये आपके साथ आपके गार्डन में खुश रहता है और इसकी खूबसूरती अपने आप में देखते हुए बनती है। बोनसाई लुक है इसका, छोटे स्पेस में बहुत सारे एडेनियम्स आप अरेंज करके रख सकते हो, इस जगह भी इसको कम चाहिए, खूबसूरती बहुत ज्यादा है इसके अंदर, फ्लावरिंग बहुत ज्यादा है इसके अंदर और केयर बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे साथ तो ये है कि रोज में जस्ट अपोजिट है, उसमें बहुत ज्यादा मेरे को केयर करना पड़ता है लेकिन एडेनियम्स में मेरे को केयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। सर्दी के मौसम में मैं रोज देखता हूँ, रोज का मजा लेता हूँ, जैसे ही सर्दी खत्म होता है और गर्मी स्टार्ट होता है तो एडेनियम का मजा लेता हूँ। एडेनियम का दूसरा नाम डेजर्ट रोज भी है, जिसको रेगिस्तान का गुलाब हम कहते हैं क्योंकि रेगिस्तान में गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो और उस इसको गर्मी बहुत पसंद है इसलिए रेगिस्तान का गुलाब भी इसको हम कहते हैं। एनीवे तो ये इंट्रोडक्शन है एडेनियम्स का। अब आ जाते हैं कि एडेनियम्स हमें लगाने कहाँ चाहिए। एडेनियम्स हम धूप में भी लगा सकते हैं, शेड में भी लगा सकते हैं, सेमी शेड में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पेज विवेक प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, मैं सूटेबल लोकेशन में। तो जो बेस्ट लोकेशन है कि सुबह से शाम तक अगर इसको धूप मिले,
कई लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा धूप हम देंगे तो मेरा एडेनियम खराब हो जाएगा या फूल खराब हो जाएंगे, ये गलत सोच है हमारी। आप सुबह से शाम तक जितना इसको धूप दे सकते हैं उतना अच्छा है, जितना ज्यादा धूप उतना ज्यादा फ्लावर, जितना कम धूप उतना कम फ्लावर, सीधा सा इसका फंडा है। धूप आप ज्यादा देने की कोशिश करें, अगर आप सेमी शेड में रखेंगे तो कम फ्लावरिंग करेगा और शेड में रखेंगे तो बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं करेगा, शायद एक आध दुखा फूल अगर निकल जाए तो निकल जाए लेकिन प्लांट नहीं मरेगा। वहां भी आपको सेमी शेड में या शेड में भी ये इसकी खूबसूरती रहेगी, अपनी अपनी इसकी एक अलग खूबसूरती है। बोंजाई के रूप में सुकुलेंट प्लांट है ये, तो बोंजाई की तरह लुक देता है। कुछ लोग ट्रे में भी लगाते हैं इसको, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको लगाने के लिए आप प्रॉपर 10 इंच का पॉट लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रे में डेफिनेटली इसकी खूबसूरती अच्छी आती है लेकिन फ्लावरिंग कम करेगा ट्रे में। अगर आप 10 इंच के पॉट में लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा और फूल भी बहुत अच्छा देगा। अब आपको ये देखना है कि एक बोंजाई का लुक देना है या आपको इससे फ्लावर ज्यादा लेना है। तो सुटेबल लोकेशन यानी धूप होना चाहिए, सेमी शेड में भी रख सकते हैं, शेड में भी रख सकते हैं। अब आती है प्लांट सिलेक्शन, हमें प्लांट किस तरह का कौन सा हमें लगाना चाहिए, ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लांट दो तरह के हैं इसमें जो इंडिया में अभी चल रहा है, एक अरेबिकम है एक ओवेसम है। अरेबिकम में फ्लावरिंग कम होते हैं, उसका बोंजाई लुक ज्यादा होता है, वो सेल्फ रूटेड होता है अरेबिकम, उसमें ग्राफ्टिंग नहीं होती है। जो ओवेसम है, जो आप हमारा एडेनियम्स का सारा प्लांट्स देख रहे हैं या फ्लावर देख रहे हैं, ये सारा ओवेसम है, इसमें फ्लावरिंग बहुत ज्यादा होती है, ये ग्राफ्टेड होता है। जो सीड पॉट बनते हैं वो हम लगा देते हैं, उसके जो ये तैयार होते हैं उसके ऊपर हम ग्राफ्ट कर देते हैं, तो ये ओवेसम वेराइटी होती है। और जो अरेबिकम है वो सेल्फ रूटेड होता है, उसमें ग्राफ्टिंग नहीं होती है। अरेबिकम की फोटो भी आपको दिख जाएगी, इसमें ओवेसम की भी फोटो आपको दिखेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अरेबिकम लगाना चाह रहे हैं या ओवेसम लगाना चाह रहे हैं। आप एक मिनट रुकिए विवेक, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, वो स्क्रीन शेयरिंग चली गई है जी। आप देख रहे हैं ये पिंक फ्लावर जो है ये अरेबिकम है और जो व्हाइट फ्लावर है ये ओवेसम है। इसमें फ्लावरिंग कम आती है अरेबिकम में, लेकिन जब फूल आता है तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, इसको ज्यादा प्रूनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आ जाती है बात मीडिया की, किस तरह का मीडिया एडेनियम को पसंद है। जो फर्स्ट मैं प्रेफर करूंगा कि सिंडर यानी खंगर, जो दिल्ली में हम लोग खंगर कहते हैं, इज द बेस्ट मीडिया फॉर द एडेनियम। इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा खंगर लीजिए और उसमें एडेनियम्स को लगा दीजिए। खंगर की जो क्वालिटी है ये देखने वाली बात है, मैंने दीपा मैडम को मैंने बताया हुआ है और कईयों को पहले से ही पता है, राजेंद्र है रामा रोड पे जखीरा में, जिसके पास मैं पर्सनली बैठ के सारा खंगर तैयार करवाया हूँ, मैं सारा सफाई वगैरह करके रखा हुआ है। वहां से लेकर आना है, 200 रुपए का एक कट्टा देता, 40 किलो का एक कट्टा होता है, वो वहां से लेके आइए और आप सीधा डायरेक्ट उसमें आप लगा लीजिए एडेनियम्स को। इसमें और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं मिलाना है। अगर आप इसमें कुछ मिलाते हैं, कई लोग बोलते हैं इसमें कंपोस्ट मिला देते हैं या वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं या काउडंग मिला देते हैं, तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये काफी पोरस है, इसके थ्रू रूट को ऑक्सीजन बहुत मिलता है, तो इसलिए इसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, अदरवाइज इसकी पोरोसिटी खत्म हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो सिंडर है या खंगर है ये बेस्ट मीडिया है एडेनियम के लिए। उसके बाद आता है कोकोपीट, इक्वली गुड कोकोपीट, बहुत अच्छा है। इसमें आपको बोन मील और नीम खली, अगर 10 इंची का पॉट आप लेते हैं 10 इंच का, तो उसमें एक मुट्ठी बोन मील और एक मुट्ठी नीम खली जरूर उसमें मिला दें, और उसके बाद आप एडेनियम को लगा दें। एडेनियम लगाते समय ये ध्यान रखें कि उसका रूट बिल्कुल धूल जाना चाहिए, और हो सके तो उसमें फंगीसाइड से मैं थोड़ी देर आधे एक घंटे उसमें रख के उसके बाद उसको लगानी चाहिए। तो ये दो मीडिया मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। अगर ये दो मीडिया किसी को नहीं मिलता है तो तीसरा मीडिया हमारा सॉयल है। सॉयल वो नहीं होना चाहिए जिसमें पानी इकट्ठा हो जाए, पानी इसमें 10 से 15 या 20 सेकंड के अंदर पानी इससे निकल जाना चाहिए। तो ये मीडिया हम ऐसा तैयार करते हैं कि इसमें पानी इकट्ठा ना हो। जो मिट्टी का जो कॉम्बिनेशन है और जो कंपोजिशन है वो मैंने बताया हुआ है, तो 70% हम इसमें रिवर सैंड ले लेते हैं।
रिवर सैंड भी डस्ट पार्ट नहीं होना चाहिए, जो मोटे मोटे थोड़े दाने की तरह होते हैं वो रिवर सैंड लेंगे 70%। यहाँ कई तरह के सैंड दिल्ली में अवेलेबल है, लेकिन हमें रिवर सैंड लेना है और मोटे वाले लेना है, बेशक आप उसको चाल लें। 20% उसमें हम जो गार्डन सॉयल होता है वो हम ऐड कर सकते हैं। गार्डन सॉयल भी वो जो हमारे दिल्ली में जो अवेलेबल है वो नहीं, अगर खेतों की मिट्टी मिल जाती है, कई नर्सरीज में अच्छी मिट्टी मिल जाती है, अगर वो आप यूज करें तो बहुत अच्छा है। 10% उसमें वर्मी कंपोस्ट हमें, काउ डंग हम नहीं मिलाएंगे, काउ डंग में कीड़े लगने के चांस होते हैं, और एडेनियम का जो रूट होता है उसमें पूरा पानी है, तो अगर कीड़े लग गया तो फिर पूरा एडेनियम को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए इसमें गोबर का खाद बिल्कुल नहीं मिलाना एडेनियम के अंदर। तो वर्मी कंपोस्ट हम मिला सकते हैं, और जब 10 इंची के पॉट में आप जब लगा रहे हैं तो एक मुट्ठी बोन मील और एक मुट्ठी नीम खली इसमें मिला सकते हैं। इस तरह से आपका यह सॉयल प्रिपेयर हो जाएगा और इसमें आप एडेनियम आप लगा सकते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू प्लांट योर एडेनियम इन सॉयल। अदरवाइज खंगर और कोकोपीट बेस्ट है। खंगर लाइट वेटेड है, कोकोपीट लाइट वेटेड है, और इसमें पानी निकल जाता है, पानी रुकता नहीं है, तो किसी भी प्लांट के लिए ये सारा खेल जो है हमारा गार्डनिंग, सारा गेम जो है पानी का है। मैं बार बार बोलता हूँ, जिस गार्डनर को ये समझ में आ गया कि इस किस प्लांट को हमें कितना पानी देना है और कब देना है, किस मात्रा में देना है, किस तरीके से देना है, जब ये हम समझ जाएंगे तो हम गार्डनिंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमारा खाद या दूसरे पेस्टिसाइड या फंगीसाइड उतना काम नहीं करता जितना हमारे प्लांट्स के ऊपर पानी का काम होता है। पानी को समझना बहुत जरूरी है, अगर वाटर मैनेजमेंट आपने सीख लिया तो आपका गार्डन हमेशा हरा भरा रहेगा और हमेशा आपका सुंदर देखने में लगेगा। तो ये रही मीडिया की बात, अब आ जाती है इसके बाद फीडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फीडिंग क्या करनी है। मैं फीडिंग में दिखाना चाहूंगा, कुछ दिन पहले मेरे को मिला ये नवल एग्रो की तरफ से मिला हुआ है, और मैं आपको बता दूं मैं नवल एग्रो को आगे बढ़ाता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं इनको एंडोर्स कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, मेरे को ये लगता है कि इस प्रोडक्ट से मेरे को फायदा मिला है तो इस प्रोडक्ट से सबको फायदा मिलना चाहिए। नवल एग्रो का ये 4 प्रोडक्ट है, एक तो इसमें ताकत है, एक नैनोफाइट है, एक माइक्रोसेवन है और एक ह्यूमेट है। ह्यूमेट और ताकत 100% ऑर्गेनिक है, नैनोफाइट ऑर्गेनिक नहीं है, माइक्रोसेवन सुपर माइक्रोसेवन ऑर्गेनिक नहीं है। जो ताकत है आपको कुछ भी और फीड नहीं करना है, एडेनियम के अंदर कुछ भी फीडिंग नहीं करनी है, 2 ml ताकत का लेकर, इसमें सीवीड्स वगैरह सारे मिले हुए हैं, इसमें ह्यूमिक एसिड प्लस इसमें साइटोकाइनिन जिब्रेलिक एसिड सारा इसके अंदर है, जो प्लांट को ग्रोथ देता है, प्लांट के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सारे इस ताकत के अंदर अवेलेबल है। इवन मैं रोज में यही यूज कर रहा हूं मैं, तो इसको आप ताकत के अंदर 2 ml पर लीटर के हिसाब से ताकत के अंदर 2 gram NPK इसमें अगर आप मिला देते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अगर NPK आप नहीं मिलाना चाहते हैं तो ताकत भी इट्सेल्फ वेरी गुड। ताकत आपको रूट में डालना है, आप हफ्ते में 1 बार ताकत को डालें रूट के अंदर, नेक्स्ट वीक में आप ताकत को स्प्रे कर दें पत्तियों के ऊपर। ये जो फीडिंग है वो हम सिर्फ सीजन में करेंगे, फीडिंग सीजन हमारा स्टार्ट होता है मार्च से लेकर सितंबर तक, इस बीच में ही फीडिंग करनी है, उसके बाद हमें फीडिंग नहीं करनी है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। फीडिंग हमें जो हमारा एडेनियम का सीजन है, जो फ्लावरिंग सीजन है, उसी टाइम में हमें फीडिंग करनी है। जैसे जैसे हमारा सितंबर हमारा नजदीक आता जाएगा, हम फीडिंग जो हफ्ते में हम 1 बार कर रहे हैं वो 15 दिन पे करेंगे, फिर महीने पे करेंगे और धीरे धीरे फिर हम बंद कर देंगे फीडिंग। ये हमारा फीडिंग का ये शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि एडेनियम्स को ज्यादा फीडिंग नहीं चाहिए होता है। जो माइक्रोसेवन है ये एक्चुअली ऑर्गेनिक कल्चर में, ऑर्गेनिक गार्डनिंग में 3 तरह की चीजें हैं जो खाद हम देते हैं, एक होता है अलाउड, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड, एक होता है नॉट अलाउड यानी प्रोहिबिटेड होता है। जो अलाउ है, जो हमारा ताकत है वो अलाउ है, यानी कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ऑर्गेनिक गार्डनिंग में इसको जब जैसे मर्जी चाहे इसका यूज कर सकते हैं, इसमें कभी भी आपका कोई नुकसान नहीं है।
जो हमारा सुपर माइक्रो सेवन है ये रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये हो गया कि जब हमें लगता है कि हमारे प्लांट्स को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है तो हम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अब कैसे पता चलेगा कि इसकी जरूरत है? अगर आपके प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आपके प्लांट्स डल हैं, आपके प्लांट्स के लीव्स पीले पड़ रहे हैं, जो प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, तब हम माइक्रो सेवन को हम यूज कर सकते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्टेड में, तो इसको हम इस तरीके से यूज करेंगे। लेकिन अगर 15 दिन पे अगर माइक्रो सेवन आप स्प्रे करें एडेनियम्स के ऊपर तो कोई इसमें बुराई नहीं है। अब आ जाती है ह्यूमिड की बात। ह्यूमिड टोटली ऑर्गेनिक है, इसको महीने में एक बार एडेनियम के अंदर 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको डालना है। इसको आप पानी में मिला के और जितने एडेनियम्स आपके पास है उसमें 2 ml के हिसाब से आप महीने में एक बार इसको फीडिंग आप कर लें। जो नैनोफाइट है इट वॉक्स लाइक अ फंगिसाइड। बेसिकली ये इसमें जो बीमारियां फंगस वगैरह लग जाते हैं उससे ये बचाता है। ये भी महीने में एक बार हमें पत्तों के ऊपर डालें और उसके बाद रूट में भी थोड़ा डाल लें और ये महीने में एक बार नैनोफाइट को भी हम यूज कर लें। अगर आप ये नवल एग्रो या जो भी ताकत वगैरह मैंने बताया अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते हैं तो उसके अलावा मैंने एक कंपोजिशन तैयार किया हुआ है, आप वो एक कंटेनर में बना के तैयार करके रख लें। कोई भी मीडिया हो, चाहे कोकोपीट हो, खंगर हो या आपका सॉयल हो, किसी भी मीडिया में आप ये 15 दिन पे एक चम्मच आपको ये सारे एडेनियम्स के अंदर आपको डाल देना है। डालने के बाद कुड़ाई नहीं करनी है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर है। जैसे जैसे आप पानी देंगे वैसे वैसे ये इसके अंदर जाता रहेगा। वो आप बेसिक कंपोजिशन में आपको बता देता हूं। 1 kg बोन मील ले लें इसमें, 500 g नीम खली मिला लें, 250 g सुपर फॉस्फेट मिला लें, 200 g DAP मिला लें, 100 g NPK और 50 g पोटास। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं 1 kg बोन मील, 500 g नीम खली, 250 g सुपर फॉस्फेट, 200 g DAP, 100 g NPK, NPK 19-19-19 या 20-20-20 जो भी मिलता है आप मिला सकते रख सकते हैं, और 50 g पोटास। ये एक मिक्सर आप बना के एयरटाइट कंटेनर में रख लें और 15 दिन में एक बार आप इसको अपने जो भी जिस मीडिया में भी आपका एडेनियम लगा हुआ है उसमें आप एक चम्मच इसको आप डाल दिया करें, ऊपर से आप पानी देते रहेंगे, वो चलता रहेगा प्रोसेस। तो ये हो गई फीडिंग की बात, इससे ज्यादा कुछ फीडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। मैंने पहले बताया एडेनियम कुछ भी डिमांड नहीं करता है, आप अगर फीडिंग करोगे तो फ्लावरिंग ज्यादा आएगा। पर्पस हमारा है फ्लावर लेना, तो अगर फीडिंग हम प्रॉपर देंगे तो हमारा फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आ जाती है इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, सॉरी वाटरिंग मैं बताना भूल गया, मैं उससे पहले वाटरिंग की टॉपिक लूंगा। पानी कैसे डालना है, जो हमारा एडेनियम से मैं पहले बताया गार्डनिंग हमारा खेल है, पानी देने का सारा खेल पानी का है। एडेनियम्स को पानी चाहिए भी और पानी नहीं भी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि एडेनियम्स को पानी कब चाहिए और कब नहीं चाहिए। जो हमारा फ्लावरिंग सीजन है उसमें एडेनियम्स को पानी चाहिए। फ्लावरिंग सीजन हमारा मार्च से स्टार्ट होता है और सितंबर तक चलता है। अक्टूबर से ये धीरे धीरे डोरमेंसी में जाना शुरू कर देता है। जो मार्च में आप जब हम प्रूनिंग करते हैं, उसके बाद मैं अभी प्रूनिंग बताऊंगा कब करना है कैसे करना है। प्रूनिंग के बाद हफ्ते में 3 दिन पानी जरूर दें, लेकिन खंगर वालों के लिए बता रहा हूं और जो कोकोपीट में उनके लिए, जिनके पास मिट्टी में एडेनियम, अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी में अभी मिट्टी गीली है तो आपको उसमें पानी देने की जरूरत नहीं है जब तक कि मिट्टी सूख नहीं जाती है। ऊपर से अंदर गीली है कोई बात नहीं, ऊपर से अगर मिट्टी आपको ड्राई लग रही है तो आप डेफिनेटली पानी दीजिए। पानी जब आप सीजन में पानी देंगे तो फ्लावरिंग बहुत अच्छे आएंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि पानी देने से एडेनियम मर जाएंगे, 100% आई एम टेलिंग यू पानी से कभी एडेनियम नहीं मरता। पानी जब हम सर्दी में डालते हैं तब जाकर एडेनियम मरता है, पानी से कभी एडेनियम नहीं मरता। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि बारिश के मौसम में मेरा एडेनियम मर गया। बारिश के टाइम में एडेनियम हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि दिल्ली की बारिश ऐसी नहीं है जो एडेनियम को मार सके।
दिल्ली की बारिश बिल्कुल सुटेबल है एडेनियम के लिए, इसलिए इसको शेड में आपको रखने की जरूरत नहीं है, आप ओपन में रखिए, आपके एडेनियम को कभी कुछ नहीं होगा। वहां प्रॉब्लम है जहां 10 दिन 15 दिन पानी लगातार बारिश हो रही है और हमारा एडेनियम बाहर पड़ा हुआ है, तो इन दैट केस हमें एडेनियम को शेड में रखना जरूरी है। तो हम दिल्ली के लिए एडेनियम जहां बारिश कम है वहां एडेनियम शेड में रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि एडेनियम अगर हम बाहर रखते हैं तो हमारा एडेनियम मरेगा, बिल्कुल पानी से बिल्कुल एडेनियम नहीं मरेगा, आप उसको छोड़ दीजिए पानी में। और अपने प्लांट को आई विल सजेस्ट यू अपने प्लांट को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए, आप उसको जितना प्रोटेक्ट करेंगे प्लांट आपका उतना ही कमजोर होता जाएगा। प्लांट को ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको आप प्रॉपर फीडिंग दीजिए, कीड़े मकोड़ों से बचाते रहिए, ये नहीं कि धूप बहुत ज्यादा है तो हम अंदर कर लेते हैं, अब छाया हो गया तो बाहर कर लेते हैं, ये अंदर बाहर की वजह से भी हमारे प्लांट्स खराब होते हैं। आप इनको एक प्रॉपर जगह दे दीजिए और वहीं पे इनको सेफ रखने की कोशिश करिए आप। तो एडेनियम को पानी आप जब सीजन है तो आप हफ्ते में 3 दिन पानी जरूर दें, खंगर में और जो हमारा कोकोपीट है उसमें। मिट्टी अगर गीली है तो पानी देने की जरूरत नहीं है, जब तक मिट्टी का जो अपर लेयर है जब तक वो सूख नहीं जाता तब तक हमें पानी नहीं देना है। जब दिल्ली में टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाता है तब हमें पानी की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, हो सके तो आप हफ्ते में रोज पानी दीजिए अपने एडेनियम्स को जब टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाए, क्योंकि उस समय फ्लावर्स होते हैं, आप पानी नहीं देंगे तो एडेनियम ऐसा नहीं कि मर जाएगा, जो उसमें फूल हैं वो खराब हो जाएंगे और फूल गिर जाएंगे, तो उन फूल को फ्रेश रखने के लिए हमें रोज पानी देना पड़ेगा जब टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाता है। तो ये हमें ध्यान देने की बात है कि पानी हमें कब देना है और कितना देना है। शाम के टाइम में एडेनियम में पानी कभी भी नहीं देना, भूल के भी नहीं देना है, उसमें फंगस लगने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर पानी पत्ते के ऊपर रह गया तो फंगस लगने के चांस होते हैं, स्टेम के ऊपर रह गया तो फंगस होने के चांस होते हैं। एडेनियम का जो कॉर्डेक्स है उसमें सारा पानी है, ऑलरेडी उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है, तो इसको फंगस लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो पानी हमें शाम के टाइम में बिल्कुल भी नहीं देना है, भूल कर भी नहीं देना है, पानी जब भी देना है हमें सुबह के टाइम में देना है। ये तो बात हुई पानी की। पानी कैसे कैसे कब देना है, जैसे मार्च होता है हम पानी का बढ़ाएंगे, जैसे ही हमारा बारिश का मौसम आ जाता है उसके बाद पानी देना हम कम कर देंगे क्योंकि बारिश से पानी हमें मिलता रहेगा। अगस्त सितंबर में पानी हफ्ते में एक बार दें, अक्टूबर से पानी बिल्कुल बंद कर देना है, आप 15 दिन पे एक बार दीजिए पानी अगर जरूरत होती है। नवंबर दिसंबर में पानी देना ऑलमोस्ट बंद कर देना है क्योंकि दिसंबर जनवरी बिल्कुल ये डोरमेंसी में चला जाता है, इसको न खाने की जरूरत होती है और न पानी की जरूरत होती है, उस समय इसका टफ टाइम होता है, उस समय इसको हमें बचाने की जरूरत होती है। वो कैसे बचाना है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो पानी धीरे धीरे हमें मार्च से शुरू करना है, 40 डिग्री जब रहेगा तो हमारा पानी का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे बारिश का मौसम होगा और टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, जून जुलाई में मानसून आना शुरू हो जाता है तो हमारा पानी का फ्रीक्वेंसी भी कम होता जाएगा और अक्टूबर नवंबर तक पानी बिल्कुल हम कम कर देते हैं, पानी देना ऑलमोस्ट ना के बराबर देते हैं। नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है, पानी से इसको बचाना है। एडेनियम्स हमारा पानी से नहीं मरता, ठंड से मरता है। अगर इसमें ठंड लग गया, किसी भी वजह से अगर ठंड लग गया तो इसके अंदर कीड़े लग जाएंगे और ये मर जाएगा। आपको लगेगा ऊपर से बिल्कुल ठीक है लेकिन अंदर अंदर ये गल जाता है। अब आ जाती है बात कि इसके अंदर फंगीसाइड, इंसेक्टीसाइड या पेस्टिसाइड कैसे करना है। एडेनियम्स के अंदर कीड़े बाहर पत्तों पे बहुत कम लगते हैं, इसके अंदर बीमारी नहीं होती है। शायद कभी कोई कीड़ा बड़ा दिख जाए तो दिख जाए, या व्हाइट मिल्डू कभी दिख जाए तो दिख जाए, जो कमन जो हमारे यहाँ जो रोगर वगैरह होते हैं या मेलाथियन होता है उससे भी ये सारे इंसेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। जो सबसे ध्यान देने वाली बात होती है, इसके अंदर फंगस लगने का चांस बहुत ज्यादा होता है, तो फंगीसाइड हमें जरूर यूज करना है। आप महीने में एक बार इसके ऊपर साफ, या मैंने अभी एक इक्वेशन प्रो है, थोड़ा कॉस्टली है, इक्वेशन प्रो 2 महीने में एक बार आपको यूज करना है, 7 महीने में एक बार यूज करना है। इक्वेशन प्रो आप स्प्रे करें और पानी में 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप मिलाकर पानी के अंदर इसको रूट में डाल सकते हैं और इसको स्प्रे भी करना है। तो जब आप
स्प्रे कर रहे हैं तो उसी स्प्रे से इसके रूट जोन में भी पानी आप स्प्रे कर दिया करें, चाहे वो इक्वेशन प्रो हो या साफ हो। इक्वेशन प्रो 2 महीने में एक बार करना है, साफ महीने में एक बार करना है। तो ये हो गई फंगीसाइड की बात। जो जब डोरमेंसी पीरियड होता है इसका, जब ये सो रहा होता प्लांट हमारा, उस समय भी इसको फंगीसाइड की बहुत जरूरत होती है। आप ध्यान रखें कि उस समय भी अगर हो सके तो 15 से 20 दिन के अंदर एक बार फंगीसाइड इसको जरूर दिया करें, ऊपर और नीचे। आपके कभी कोई प्लांट ठंड में नहीं मरेंगे, और ठंड में इसको पानी बिल्कुल नहीं दें आप एडेनियम्स को। ये हो गई हमारी फंगीसाइड, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की बात। अब आती है बात हाउ टू सेव, अगर हमारा प्लांट, हमारा एडेनियम, अगर इसको इंफेक्शन हो गया तो हम क्या करें। और अगर इन्फेक्शन हो रहा है, ये कई बार हमें पता चलता है, जब इन्फेक्शन हमें बाद में, जब इन्फेक्शन हो जाता है, इसके अंदर कीड़ा लग जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि इसके अंदर कीड़ा लग चुका है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट पानी में। शिवम, सॉरी, कैसे हम बचाएंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे एडेनियम्स को कीड़ा लग गया है। इसके लिए जरूरी यह है कि जब भी आप प्लांट्स के आसपास आप टहल रहे हैं, एक्सक्यूज मी, अपने गार्डन में जब भी आप टहल रहे हो, जैसे ये एडेनियम है, ये दिखाना चाहूंगा, ये इसका कॉर्डेक्स है। आप इसको जब भी आप टहलें तो इसको थोड़ा प्रेस करके देखें आप। अगर ये पल्पी लग रहा है, अगर सॉफ्ट लग रहा है, तो इट मींस कि कुछ कमी है इसके अंदर। ये पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपका ये कॉर्डेक्स बिल्कुल टाइट है, आप अभी मैं दबा रहा हूं, बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल हार्ड है, तो एडेनियम आपका सेफ है। अगर ये दबाने के बाद अगर कहीं से लगता है कि ये थोड़ा पल्पी हो रहा है या सॉफ्ट है, तो इसके अंदर गड़बड़ है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो इसको पानी चाहिए, या तो इसके अंदर कीड़ा। राहुल जी, आप वीडियो पे कुछ दिखा रहे हैं जी? ओके सॉरी, ये मैं स्टॉप शेयर करता हूँ तो लोगों को वो वीडियो भी दिखेगा। हाँ, जी थैंक यू, आई विल शेयर इट। ये आप देख रहे हैं, सॉरी, आप उसको अभी रोक दें, इसको आप दिखा दें। हाँ ठीक है, मैंने अभी आपकी वीडियो देख रहे हैं अभी लोग। जी जी, ये जो एडेनियम है, ये इसका कॉर्डेक्स है। ये अभी मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, ये बहुत ही टाइट है, बिल्कुल थोड़ा भी नहीं दब रहा है। इट मींस कि ये हमारा एडेनियम सेफ है, खुश है, हेल्दी है। अगर थोड़ा भी पल्पी हो या सॉफ्ट हो, तो इसको हम स्क्रैच करके देखेंगे, या तो हम अपने नेल को यूज करें, या कोई नाइफ वगैरह ले लें, किसी भी तरीके से इसको हल्का सा स्क्रैच करके देखते हैं। आप देख लो इसमें हरा दिख रहा है, इट मींस कि ये सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पल्पी है, सॉफ्ट है, ये ग्रीन दिख रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई बीमारी नहीं लगी हुई है, बिल्कुल हमारा एडेनियम सेफ है। आप थोड़ा और नीचे इसके चले जाएं, इसके थोड़ा सा और इसका जो हटा के यहां भी आप स्क्रैच करके देखें, अगर ये ग्रीन दिख रहा है तो यानी कि भी ये भी सेफ है। अगर मैं ये तरीका तब बता रहा हूं जब आपका एडेनियम सॉफ्ट हो रहा है या उसका कॉर्डेक्स पल्पी हो रहा है, इन दैट केस जगह जगह उसको स्क्रैच करके आप देखें। अगर अंदर से हरा दिख रहा है तो इट मींस कि आपका एडेनियम सेफ है। अगर अंदर से हरा नहीं दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है या ब्राउन दिख रहा है, तो आपके एडेनियम में कीड़ा लग चुका है। तो उस समय जरूरत है कि इस एडेनियम को हम पूरी तरह से बाहर निकालें, चाहे कितना भी बड़ा एडेनियम हो, कितना भी पुराना एडेनियम हो, जरूरत है उसको बाहर निकालने की। जब इसके अंदर कीड़ा लगेगा या इसका जो कॉर्डेक्स है डिके होगा, तो इसके लीव्स जो होंगे वो पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे, इसके इसमें ग्रोथ नहीं आएगा। तो वो भी पहचानने का एक तरीका है। अगर आपको ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसका पत्ता पीला होके गिर रहा है, तो आप समझ जाइए कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है।
और आप इसके कॉर्डेक्स को टच करके देखें, दबा के देखें, और उस समय अगर पल्पी है तो आप स्क्रैच करके देखें, अगर ग्रीन अंदर दिख रहा है तो सेफ है, यानी कि पानी की कमी है, हम पानी डालेंगे तो ये फिर टाइट हो जाएगा, 2 या 3 दिन या हफ्ता दिन में ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। अगर ब्लैक दिख रहा है या ब्राउन दिख रहा है तो पानी बिल्कुल नहीं देना है, इसको उठाना है और बाहर निकाल लेना है। तो ये इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि एडेनियम के अंदर हमारा कीड़ा लगा है या हमारा एडेनियम सेफ है। अगर एडेनियम के अंदर कीड़ा लग गया तब हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकालेंगे, पूरे प्लांट को बाहर निकालेंगे। मैं उसमें पीपीटी में दिखाना चाहूंगा, आप एक बार विवेक जी उसको दिखा दें आप प्लीज। तो हाँ, मैं शेयर कर देता हूं। हाँ, आप जब बाहर निकालेंगे उसको तो आप ये देखिए कि बिल्कुल अंदर से ब्लैक होगा वो सब। ये आप देखिए, ये बिल्कुल अंदर से ब्लैक था, ये मेरे गार्डन में ऐसा हुआ था ये। तो ये जो आप देख रहे हो, मैंने वो इसको सारा नाइफ से काट कर मैंने ब्लैक वाला हटाया पोर्शन, और अभी भी ब्लैक दिख रहा है। वो सारा ब्लैक पार्ट बिल्कुल हटा देना है आपको, काट काट कर बिल्कुल साफ कर देना है, जितना ब्लैक पार्ट है बिल्कुल हटा देना है, ब्लैक या ब्राउन होगा। और उसके बाद साफ जो फंगीसाइड है उसमें डुबो के कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसको बाहर निकालना है, बाहर निकाल के शेड में, जहां दोपहर का धूप नहीं लगना चाहिए, एटलीस्ट शेड में आपको रख देना है। कम से कम 1 दिन बिल्कुल छोड़ दीजिए, ड्राई हो जाएगा वो। 1 दिन के बाद फिर से इसको, जो भी आपके पास मीडिया है, खंगर है या कोकोपीट है या मिट्टी है, इसको फिर आप लगा दें, और अगर आपका किस्मत अच्छा रहा, आपकी किस्मत अच्छी रही, तो फिर से ये चल पड़ेगा। और ये मेरा एडेनियम जो आप देख रहे हो, ये मेरा बच गया है, ये चल रहा है, निकल पड़ा ये। तो इस तरीके से हम, अगर हमारा एडेनियम खराब भी हो जाता है तो इस तरीके से हम एडेनियम को बचा सकते हैं। अब आती है बात, इसको प्रूनिंग कब करना चाहिए, रिपोर्टिंग कब करना चाहिए। आप प्रूनिंग जो होती है और रिपोर्टिंग जो होती है वो आप पूरे सीजन में कभी भी कर सकते हैं। आप मार्च से लेके सितंबर तक आप कभी भी करें, जब इसका सीजन चल रहा है, जब इसका अच्छा टाइम चल रहा है, तो आप इसको इसके साथ जैसा बिहेव करना चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन सुटेबल क्या है, अब आप मेरे से अगर पूछते हैं कि इसके लिए सुटेबल टाइम क्या है, तो सुटेबल टाइम ये कि फरवरी एंड और मार्च के फर्स्ट वीक में हमें प्रूनिंग कर देनी चाहिए। प्रूनिंग करते समय आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, जो मर्जी आप साइज रखना चाहते हैं वो साइज आप ले सकते हैं। प्रूनिंग करेंगे आपको कम से कम 20 से 25 दिन या महीना दिन के अंदर इसके अंदर फ्लावर आ जाता है। जो रिपोर्टिंग होती है, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग में कम से कम 1 हफ्ते का गैप होना चाहिए। या तो पहले आप प्रूनिंग कर लें और उसके बाद आप 1 महीने बाद रिपोर्टिंग कर लें, या रिपोर्टिंग अगर पहले कर लेते हैं तो 1 हफ्ते बाद उसको प्रूनिंग करें। रिपोर्टिंग हमें साल में 2 बार करनी चाहिए, सॉरी साल में 2 साल में 1 बार करनी चाहिए, साल में 2 बार नहीं, 2 साल में 1 बार रिपोर्टिंग करनी चाहिए। रिपोर्टिंग करने का बेनिफिट क्या, आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले बताऊंगा, ये बहुत फ्रेंडली प्लांट है, हमारे साथ बहुत अच्छा चलता है। आप अगर ये हर हाल में खुश रहता है प्लांट, आप इसको रिपोर्टिंग करेंगे तो भी ठीक है, नहीं रिपोर्टिंग करेंगे तभी भी ठीक है। रिपोर्टिंग हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों, क्योंकि हमें इस प्लांट को खूबसूरत बनाना है। इसका कॉडेक्स कई लोगों को पसंद आता है, इसका कॉडेक्स हमें बड़ा चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। रिपोर्टिंग का तरीका क्या होता है, ये मैं फिर एक बार वीडियो दिखाना चाहूंगा, मैं अपना पॉट दिखाना चाहूंगा। मैं विवेक जी एक बार वीडियो ऑन करें। हाँ, श्योर। ये कॉडेक्स पार्ट है। अगर आपको चाहिए कि ये कॉडेक्स थोड़ा मेरे को मोटा होना है, करना है, तो कम से कम इसके अंदर इतना आप अंदर दबा के डाल दें। 2 साल के बाद जब आप इसको निकालेंगे, पूरा बाहर निकाल लेंगे, कम से कम इतना अंदर कर दें, 2 साल के बाद आप इसको पूरा बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर बहुत खूबसूरत शेप बन चुका रहेगा। जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो रूट का सिर्फ इतना पार्ट, कम से कम 2 या 3 इंच पार्ट
फिर से अंदर करके इसको लगा दें। ऐसा नहीं है कि आप पूरा बाहर निकालेंगे तो ये मर जाएगा या ऐसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नीचे जो पार्ट है फिर वो बड़ा डेवलप कुछ अलग शेप लेगा, और इस तरीके से थोड़ा ऊपर अपलिफ्ट करके लगा देना है, 2-3 इंच करके फिर लगा देना है, हर 2 साल पे ऐसे करते जाना है। तो आपका मोटा कॉडेक्स बनता जाएगा, कॉडेक्स आपका ऊपर आता जाएगा, हो सक किसी भी शेप में आ सकता है वो, और जो भी शेप आता है बहुत ही खूबसूरत आता है। और जो नीचे का 3 इंच या 2 इंच जो है आप मिट्टी में फिर से लगा दें, और इस तरीके से आप इसका कॉडेक्स धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। ऊपर आप इसको अपलिफ्ट करते जाएं, नीचे का फिर डेवलप होगा, फिर आप उसको अपलिफ्ट करें। तो ये रिपोर्टिंग से ये बेनिफिट होता है कि जो कॉडेक्स का शेप और साइज वो बहुत ही खूबसूरत निकल कर चला आता है। जितना पुराना करेंगे आप, 3-4 साल पे करेंगे तो अंदर अंदर कॉडेक्स और मोटा हो जाएगा। तो कॉडेक्स इसका अंदर अंदर डेवलप ज्यादा होता है। और किसी को फास्ट चाहिए कि बहुत जल्दी मेरे कॉडेक्स अच्छा है, तो उसको चाहिए कि वो मैक्सिमम जो ये पार्ट है कॉडेक्स का वो जमीन के अंदर या पॉट के अंदर उसको दबा के लगा के रखें। जो प्रूनिंग है, प्रूनिंग हम करते हैं मार्च के फर्स्ट वीक में, और प्रूनिंग हम पूरे साल भी कर सकते हैं अक्टूबर नवंबर तक, लेकिन वो प्रूनिंग नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड द पिंचिंग। कई बार ये मेरे से भी सवाल करते हैं कि राहुल जी आपके एडेनियम में इतने फ्लावर क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। सोचने की बात है, अगर एक ब्रांच रहेगा, अगर मैं एक ब्रांच रखूं तो इसमें कभी भी ज्यादा फ्लावर नहीं आएगा, जितने ब्रांच होंगे उतना ज्यादा फ्लावर आएगा। तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि ब्रांच ज्यादा कैसे होंगे, ब्रांच ज्यादा होंगे प्रूनिंग से, ब्रांच ज्यादा होंगे पिंचिंग से। पिंचिंग हम पूरे साल करते हैं। पिंचिंग और प्रूनिंग में डिफरेंस क्या है? जो प्रूनिंग हम करेंगे तो ये आप पार्ट देखिए, यहां से इसको मैं यहां से काट दूंगा, दैट इज कॉल्ड प्रूनिंग। ये सारा ब्रांच मैं यहां से काट दूंगा और एक ब्रांच से और बहुत सारे इसमें शूट्स निकल आएंगे, बहुत सारा और ब्रांच निकल के आगे बढ़ेगा। तो प्रूनिंग हम यहां से करेंगे, लेकिन पिंचिंग क्या करेंगे, जैसे ये पार्ट है, इसके आगे का पार्ट, ये जो है पार्ट, ये मैं तोड़ के निकाल दिया, दिस इज कॉल्ड पिंचिंग। पिंचिंग हमारा पूरे साल चलता रहता है। इससे क्या होगा कि यहां जो मैंने हटा दिया पार्ट, यहां से और सारे ब्रांच निकलेंगे। एडेनियम पूरे साल फ्लावर देता है, जो इसका सीजन है, कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो पूरे साल फ्लावर देता रहता है। ये यहां से आप इसको पिंच करेंगे तो यहां से और भी ब्रांच निकलेंगे, और जो सीजन के टाइम में जो ब्रांच निकलेंगे उसमें बर्ड बनने शुरू हो जाते हैं और फ्लावरिंग आपका ज्यादा है। ये पिंचिंग का, ये मेरा बहुत पिछले साल ये प्लांट मैंने खरीदा, एक बार प्रूनिंग करेगा, पिंचिंग करने से ये इतने सारे ब्रांच निकल के आए हैं और ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये पिंचिंग करने से फ्लावरिंग ज्यादा आता है और प्रूनिंग करने से ब्रांचेस बहुत ज्यादा निकलते हैं, दिस इज द डिफरेंस। तो आप जब मार्च में, जब आप फर्स्ट वीक में आप प्रूनिंग करें, और पिंचिंग जो है वो पूरे साल आप करते रहें। तो ये है प्रूनिंग एंड पिंचिंग। अब इसके बाद जो फीडिंग पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया, वाटरिंग पार्ट डिस्कस कर लिया, रिपोर्टिंग एंड प्रूनिंग भी डिस्कस हो गया हमारा। अब बात आती है कि आप जो ताकत वगैरह है, वो मैंने फोन नंबर वगैरह दे दिया है, उस पर नवल का फोन नंबर है, और जो आप वहां से ले सकते हैं, या एक गणेश सिरके हैं जो महाराष्ट्र वगैरह में हैं, उनको भी फोन कर सकते हैं आप, उनका नंबर मैं दे दूंगा, वहां से भी आप फोन करेंगे तो वो भी बाई पोस्ट, सिर्फ ताकत चाहिए या सिर्फ आपको माइक्रो सेवन चाहिए, कोई भी आइटम चाहिए तो उनको आप फोन करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको वहां से भेज देंगे। गणेश सिरके, उनका नंबर मैं फोन नंबर मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। अब मैं क्वेश्चन सेशन लूंगा, जिनको अब अगर अभी कोई डाउट है और अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो डेफिनेटली आप पूछ सकें, क्वेश्चन सेशन में लूंगा। राहुल जी, आई विल टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम मेंबर्स। एक तो वाटरिंग में जरा वो समझाएंगे कि वाटरिंग कैसे करनी है, बाय वे ऑफ अ शावर या बाय वे ऑफ इनटू द सॉइल। एक दफा आपने समझाया था कि बाय शावर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, शावर से बिल्कुल, अगर हम शावरिंग करते हैं
तो उससे ये होता है पत्ते बहुत अच्छी तरह धुल जाते हैं और उसमें कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो धुल जाते हैं। कोई बीमारी है ऐसे दिल्ली में हमारे आसपास ऐसे भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो सावरिंग करने से कभी ऐसा नहीं होता है कि फूल खराब होते हैं या कुछ और प्रॉब्लम आती है। सावरिंग करने से हमेशा आपका प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। जब हम फीडिंग करते हैं उस वक्त हमें मग में लेकर और रूट जोन में जो है वो हम फीडिंग डाल सकते हैं, वो हम मग्गा से कर सकते हैं। लेकिन जगह अगर हम वाटरिंग करते हैं तो डेफिनेटली हमें पाइप लगाकर सावरिंग से कर सकते हैं, या कोई बकेट आता है जिसके आगे सावर लगा होता है उससे उसको भी हम यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू भी पानी दे सकते हैं। अच्छा सर, क्वेश्चंस हैं लाइक आई एम सॉरी, हम लोग मेंबर्स को म्यूट कर देते हैं ऐसे, नहीं तो थोड़ा वो कंफ्यूजन टाइप हो जाता है। ऐसे है कि एक तो हाउ मच फंजीसाइड इज टू बी गिवन एंड देन कैन वी गिव फंजीसाइड इन वेट सॉइल और ड्राई सॉइल? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। फंगीसाइड आप मैडम मैं एक बात बोलूंगा, जो भी लिक्विड हमारे पास इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है वो एक आप नोट बना लें कि वो 2 ml पर लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करना है या डालना है, और जो पाउडर फॉर्म में है वो 2 g पर लीटर के हिसाब से हमें वो यूज करना है। तो कभी कोई भूलेगा नहीं, इस तरह से याद भी रहेगा, 2 g पर लीटर के हिसाब से जो भी लिक्विड है वो हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो फंगीसाइड हो या पेस्टिसाइड हो या जो भी लिक्विड फॉर्म में है वो 2 ml पर लीटर के हिसाब से, और जो ग्रेन्यूल्स हैं या जो दाने के रूप में है वो 2 g पर लीटर के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। जी अच्छा, एक क्वेश्चन है राहुल जी। अच्छा दूसरा, आपने सॉरी आपने दूसरा सवाल किया कि गीला मिट्टी गीली होनी चाहिए या सूखी होनी चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मिट्टी गीली हो, पहले पानी देके उसके बाद अगर आप फीडिंग करते हैं या पेस्टिसाइड डालते हैं तो सबसे अच्छा है। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, ये ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा सर, कई लोग एक दो सवाल ये है कि व्हाट अबाउट द न्यू प्लांट्स व्हिच वी बॉट फ्रॉम नर्सरी, दिस इज रिगार्डिंग योर पॉटिंग मीडियम। आपने पॉटिंग मीडियम सजेस्ट किया है तो कोई नर्सरी से अगर नया खरीद के लाया है, सो डू दे चेंज द मीडियम और लेट इट बी इन दैट पॉट? ना ना, आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हमें चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए जो पुणे से एडेनियम्स आते हैं वो लाल मिट्टी में होते हैं मैडम, और रेड सॉयल दिल्ली के लिए बिल्कुल ही सुटेबल नहीं है। आप एक दिन अगर उसमें पानी नहीं डालेंगे तो सीमेंट से भी बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपको ये देखना, पता नहीं वो कहाँ से आया कैसे आया और वो हमारे दिल्ली के क्लाइमेट में वो सुटेबल है भी या नहीं है सॉइल, इसलिए डेफिनेटली उसको हटा देना चाहिए। उसको हमें फंगीसाइड वगैरह डाल के उसको धोकर और हमें अपने मीडिया में लगा लेनी चाहिए। थैंक यू सर। पॉटिंग मीडियम एक दफा आप फिर से हंगर में जो जो कुछ डालना है और कोकोपीट के साथ कैसे बनाना है आप रिपीट कर देंगे सर? मैंने खंगर में जो मैंने आप लोग जहां से आप लेते हैं बहुत अच्छे तरह से आप लोगों को पता है कि राजेंद्र खंगर दे रहा है वो, और वो मैं वहां से लेकर आता हूं और वहां पे जाकर मैंने खुद तैयार कराया हुआ है। वहां कुछ भी मैं कोशिश यही किया हूं कि किसी भी जो मैं गार्डन उगाने वाले लोग हैं किसी तरह को उनको परेशानी ना हो, तो वहां से सारा कुछ सफाई वगैरह करके बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है, वो सीधा लेके आना है, गमले में डालना है आपको और उसमें आपको अपने प्लांट लगा लेने हैं। कोई भी प्लांट हो आप एक बार खंगर में लगा के देखो, मेरे को लगता है आपको बहुत ज्यादा उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे मैंने अभी जरबेरा लगाया आई वॉज सक्सेसफुल, पर्पल रेथ लगाया आई एम सक्सेसफुल, मैं बल्ब लगाया हूँ, पीस लिली लगाया हूँ, ये सारे मेरे खंगर में चल रहे हैं और आई एम टोटली सेटिस्फाइड। मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मिट्टी जो जिस तरह की मिट्टी मिलनी चाहिए वो मिट्टी हमें मिल नहीं रही है, मिट्टी के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। जो हार्डी प्लांट हैं वो तो चल जाते हैं मिट्टी के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जो डेलिकेट हैं या जिनको एक्स्ट्रा केयर चाहिए, तो वैसे प्लांट मिट्टी में चलने में मुश्किल हो रहा है। हो सकता है वो 1 साल या 2 साल या 6 महीने आपके गार्डन में अच्छा चल जाए, क्योंकि ये पुणे से या बेंगलोर से या कलकत्ता से तैयार होकर आते हैं ये प्लांट, वो हमारे गार्डन में 6 महीने 1 साल तो बहुत अच्छे चलते हैं, 1 साल के बाद उनके रंग बदल जाते हैं और हम बड़े दुखी होते हैं कि ये प्लांट तो हम गार्डन में लगाए और चला नहीं। उसका रीजन यही होता है कि
क्योंकि वो सॉयल, वो मिट्टी जो होती है उस वेदर के हिसाब से, उस उनके क्लाइमेट के हिसाब से बहुत अच्छी होती है, वो वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ भी लेते हैं, लेकिन जब हमारे दिल्ली के अंदर आते हैं या एनसीआर में आते हैं तो वो नहीं चल पाते हैं, तो वो खराब हो जाते हैं। जो खंगर है वो एक न्यूट्रल मीडिया है, इसका पीएच जो है वो 7 है, ना एसिडिक है ना एल्कलाइन है, तो पीएच एक डिफरेंट लाइक ये टॉपिक हो जाएगा, उसमें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो एक न्यूट्रल मीडिया है ये जो हमारा खंगर है, या कोकोपीट एक न्यूट्रल मीडिया है, तो यही रीजन है कि इसके अंदर हमारे प्लांट्स चल जाते हैं। राहुल जी जरा राजेंद्र वाले का नंबर दे देंगे प्लीज, सब लोग नोट कर लें। हाँ मैं राजेंद्र जी का नंबर दे देता हूँ मैं आप लोगों को। उनका नंबर है 9212069817। थैंक यू सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माय बड्स फॉर्म बट टर्न ब्राउन एंड फॉल, व्हाट शुड आई डू? पानी, सिंपल पानी। मैं पहले बताया सारा खेल पानी का है, अगर पानी ज्यादा भी गया तो भी प्रॉब्लम है, कम जाएगा तभी भी प्रॉब्लम है। क्या रीजन है कि एक हमारा प्लांट एडेनियम हमारा तैयार होता है, उसमें बड भी बन जा रहा है, और जैसे ही बड को खुलने का टाइम आ रहा है तो वो पीला होकर नीचे गिर जाता है। एक तो गर्मी, एक तो रीजन ये भी है कि गर्मी जो धूप बहुत ज्यादा होता है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है, उसमें वैसे ही वो प्लांट हमारे स्ट्रेस में होते हैं। अगर हम पानी नहीं देंगे तो जो भी उसके अंदर बड फॉर्मेशन वगैरह, जैसा मैं ये इसमें दिखाना चाहूंगा एक वीडियो में, आपको एक लाइव दिखाना चाहूंगा, ये आप देखो सारे ये जो पार्ट है ये एडेनियम का, ये मैं एक तोड़ के बड आपको दिखा रहा हूं मैं। मत करो सर। ये आप देखिए होता क्या है कि ये जो आउटर लेयर है ये ड्राई हो जाता है किसी भी तरीके से, या तो धूप से जल जाएगा या तो बहुत पानी है उससे खराब हो जाएगा। तो जब आउटर लेयर खराब हो जाता है तो ये खुल नहीं सकता है, ये वहां पे जाम कर रहता है, तो प्लांट खुल नहीं, फ्लावर खुल नहीं पाता है और हम फूल नहीं देख पाते हैं। तो जो एक्यूरेट अमाउंट है वाटर का, जो एप्रोप्रिएट पानी देना चाहिए, वो हमें पानी देना पड़ेगा। अगर हम प्रॉपर पानी देंगे, मैं आपको बताया जैसे ही टेम्परेचर 40 टच करता है आपको रोज एडेनियम के अंदर पानी देना चाहिए, चाहे मिट्टी में हो या खंगर में हो या कोकोपीट में हो, पानी से कभी नहीं मरेगा। आप ऐसा करके देखें कभी भी आपका जो फ्लावर है वो पीला नहीं पड़ेगा या खड़ा नहीं पड़ेगा या डिके होकर नहीं गिरेगा। अच्छा सर, फिर एक क्वेश्चन खंगर पे वापस आ जाता है, डज इट नीड टू बी वॉश्ड आफ्टर ब्रिंगिंग फ्रॉम देयर? बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। जो मैंने राजेंद्र के पास खंगर तैयार किया हुआ है बिल्कुल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उसका जो डस्ट है उसमें पोटास है, उसका जो डस्ट है, जो राख है जो उसके ऊपर लगा हुआ है वो पोटास है एक्चुअली, उससे हमारे प्लांट्स को बहुत बेनिफिट है। दूसरा चीज ये है कि वो पानी को रोक के रखता है, जो मॉइस्चर है उसको रोक के रखता है। अगर हमारा मॉइस्चर कम होगा प्लांट के अंदर तो प्लांट में प्रॉब्लम आएगी, प्लांट स्ट्रेस में जाएगा। जो वो डस्ट पार्ट है, जो थोड़ी गंदगी लगी होती है, वो प्लांट को सेफ रखते हैं, रूट जोन को सेफ रखते हैं, वहां मॉइस्चर मेंटेन करके रखते हैं। उनके अंदर पोटास है जो प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए बहुत जरूरी होता है, तो उसको धोना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब कहीं और से आप खंगर लेकर आते हैं उसका क्या कंडीशन है मेरे को नहीं पता, लेकिन जो राजेंद्र के पास मैंने खंगर तैयार कराया हुआ है उसको धोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर सर ये है आपका जो हम प्रूनिंग करके जो स्टेम्स हो जाती है, कैन दे बी रीपॉटेड अगेन? हो सकता है मैडम, रूटेक्स वगैरह लगाकर आप लगा सकते हैं उसको, और आजकल तो जो हनी है, जो शहद होता है, वो भी रूटेक्स का काम करता है। आप पानी गर्म करके उसमें थोड़ा सा हनी मिला के ठंडा जब हो जाए उसमें भी डुबो के, और आप अगर
उसमें लगाना चाहेंगे तो लग सकता है, या रूटेक्स मिल जाते हैं, कई तरह के रूटेक्स हैं बालाजी वगैरह के पास अवेलेबल है, वो रूटेक्स टच करके आप लगा दें तो 10 में 4-5 तो लग ही जाते हैं। ग्रेट। लेकिन उसके काउडेक्स में टाइम लग जाता है मैडम, कई बार काउडेक्स का फॉर्मेशन होगा, कई बार काउडेक्स नहीं बनता है, डिपेंड्स। अच्छा सर, फिर यही है कि आप, हाँ, सिंडर इज द सेम एज थंगर रेनु जी। देयर इज अ प्रॉब्लम हियर, जैसे कि एक लेडी का मेंबर का एडीनियम ग्राउंड में है और दूसरों का पॉट में है, बट दे से प्रॉब्लम इज द सेम, द एडीनियम इज फुल ऑफ लीव्स बट नॉट अ सिंगल फ्लावर। धूप, वहां धूप कम पड़ता होगा, आप उनसे जरूर पूछिए वहां धूप कितना रहता है, धूप वहां होगा नहीं और पानी बहुत ज्यादा दे रहे होंगे। लीव्स तभी बढ़ेंगे जब पत्ते तब बढ़ते हैं जब उनको धूप कम मिलता है, तो पत्ते बढ़ना शुरू इसी वजह से होते हैं कि वो थोड़ा आगे बढ़े ताकि उनको धूप मिले। तो दूसरा जो हमारा स्टेम लंबा लंबा हो जाता है वो किसी भी प्लांट के अंदर, चाहे गुलाब हो या कोई भी बेल वाले फूल हो या नॉर्मल फ्लावर फ्लावरिंग प्लांट्स हो, आप देखो कि ब्रांच लंबे लंबे होते जा रहे हैं, वो लंबे होते हैं इसीलिए कि कहीं से उनको धूप मिले, वो लंबे होते हैं जस्ट इन सर्च फॉर द सनलाइट, तो जब सनलाइट नहीं आएगा तो वो ब्रांच लंबे होंगे, जैसे उनको सनलाइट मिलना शुरू हो जाएगा वो अपना खाना ढूंढते हैं, उनको खाना बनाने के लिए इधर उधर हाथ पर वो भी मारते हैं, तो जहां उनको धूप मिलना शुरू हो जाएगा वो ब्रांच बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरे कभी एडेनियम में कभी लंबे ब्रांच नहीं जाते हैं, छोटे ब्रांच में ही फूल आ जाते हैं, क्योंकि मेरे पूरे सुबह से शाम तक मेरे एडेनियम्स में धूप लग रहा होता है। तो या तो उनको वहां धूप कम होगा और पानी वहां ज्यादा मिल रहा होगा तो प्लांट में ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो रहा होगा, यही रीजन हो सकता है मैडम। अच्छा राहुल जी, देयर इज क्वेश्चन, आपने अभी कॉडेक्स को मोटा बनाने के लिए रिपोर्टिंग के वक्त आप समझा रहे थे, कुड यू जस्ट रिपीट दैट वंस अगेन कि वो व्हाट वाज द फंडा बिहाइंड इट, कि किस तरह से रखें तो कैसे रिपोर्ट करें जो उससे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये एडेनियम है मेरा, ये खंगर में लगा हुआ है। अब ये आप एडेनियम का ये कॉडेक्स देख रहे हैं, ये जो मैं फरवरी मार्च में इसको रिपोर्टिंग करूंगा तो इसको यहां तक इसके अंदर डाल दूंगा, पूरा खंगर के अंदर डाल दूंगा, ये 2 साल तक इसके ये खंगर के अंदर पड़ा रहेगा। ये जब 2 साल या 3 साल के बाद आप जितना दिन तक उसको अंदर रखेंगे उतना ज्यादा वो मोटा होता जाएगा, 2 साल या 3 साल के बाद आप निकालेंगे तो इसका शेप कुछ और होगा, बहुत बड़ा होगा। मैं एक मेरे को 2 मिनट आप टाइम दे तो मैं दिखाना चाहूंगा, 2 मिनट में उठ रहा हूं मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है सर। नलिनी जी, यू आर रेजिंग योर हैंड बट आई डोंट सी अ क्वेश्चन, कुड यू प्लीज पुट योर क्वेश्चन ऑन द चैट, थैंक यू। If there are more questions, please let me know. By the way, I have shared the presentation which had been sent by Rahul ji, and we were screen sharing it with you all on the group. I will be sharing it on the Floriculture group, Greater Noida group later, and then Telegram after the session is over. So kindly bear with us. Thank you. Madam, ये दिखाना चाहूँगा मैं. दिखाएँ सर. सुन पा रहे मैडम? नहीं सर। हाँ आप देख लो, ये देखिए, ये कॉडेक्स देखिए आप इसका, ये आप, मैं पूरी तरीके से दिखा रहा हूं आपको चारों तरफ से। ये मैं पिछले अभी फरवरी मार्च में, लास्ट फरवरी मार्च में इसको ऊपर किया हूं मैं, ये पिछले 2-3 सालों तक ये यहां तक अंदर था, आप देख लो यहां तक रूट निकला पड़ा है, ये पूरा यहां तक इसके ये मिट्टी के अंदर था। ये इसको मैंने फरवरी मार्च में इसको बाहर निकाला और बाहर निकाल के ये अब इसका शेप बन के आया है, ये इस तरह का शेप बन गया ये। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बहुत रूट जो है 3 मैक्सिमम 3 इंच के आसपास इसके अंदर मैंने अंदर करके रखा इसको, अभी जो किया है अभी अगर निकाल, ये पूरा बिल्कुल फिक्स हो चुका है, लग चुका है खंगर के अंदर।
अब नेक्स्ट ईयर मैं 2 साल या 3 साल बाद फिर इसको ऊपर करूंगा मैं, और ये कुछ इस तरह का ही शेप और बनकर निकल कर आएगा ये। तो ये कॉडेक्स को अगर मोटा करना है इस तरीके से, तो अगर आप 2 या 3 साल के अंदर आप एक बार रिपोर्टिंग करेंगे तो इस तरह का कुछ आपको तैयार होकर निकलेगा। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया है। जैसे और क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली वो फंजीसाइड क्या हो गया था बीच में, कनेक्शन जाने में मिस हो गया। देयर इज अ क्वेश्चन, क्या अक्टूबर में रिपोर्टिंग की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अक्टूबर के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि उसके बाद ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ठंड का मौसम रहता है। अगर आपका प्लांट नहीं ये रूट को अगर नहीं पकड़ पाया, अगर स्टेबल नहीं हो पाया आपके मीडिया में, तो वो शायद उसके अंदर बीमारी लग जाएगी और मर जाएगा। या तो आप ये करें कि पूरे प्लांट को आप बाहर निकाल लें। कई जहां पे ठंड बहुत ज्यादा है वहां पे लोग करते क्या है कि एडेनियम्स को पूरी तरीके से बाहर निकाल लेते हैं और उसका रूट धोकर फंगीसाइड वगैरह लगाकर हैंगर में टांग देते हैं रूम के अंदर, और एक एक महीना, 1.5 महीने या 2 महीने के बाद फिर वापस वो मिट्टी में लगा देते हैं। जब थोड़ा ठंड का मौसम कम होने लगता है, थोड़ी गर्मी शुरू हो जाती है, तो वो लगा लेते हैं। आप वो कर लें वो बेहतर है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग अक्टूबर में नहीं करनी चाहिए। हम 2 महीने या 1 महीने या 15 दिन पहले रिपोर्टिंग करें, ताकि वो जिस मीडिया में भी आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं वहां वो अपने आप को जमा ले, ताकि वो आगे जो स्ट्रेसफुल टाइम उसके लिए आ रहा है, जो बुरा समय आ रहा है, उसमें वो फाइट कर सके। लेकिन अगर आप उसको कमजोर कर देंगे प्लांट को, तो वो अपने बुरे समय में कैसे फाइट करेगा अपने आसपास के एनवायरमेंट से। तो ये कभी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। सर, आप सेशन के बाद हमें नवल एग्रो का नंबर दे दीजिएगा। आई विल पुट इट ऑन नवल एग्रो का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, या गणेश तिरके जी का, सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट देम फॉर दैट। ये गणेश सिरके जी का नंबर मैं लिखवा रहा हूँ, 73। एक मिनट सर, प्लीज नोट डाउन द मेंबर्स। हाँ जी बोले। 73। हाँ जी। 5000। हाँ जी। 30। हाँ हाँ। 33। ओके थैंक यू। ये गणेश सिरके का है, इनको भी आप फोन करेंगे। नवल का तो उसमें आपके, अगर आप बोलेंगे तो मैं नवल का भी नंबर दे दूंगा। मैं वैसे मैंने पीपीटी शेयर कर दी है ग्रुप में, तो उसमें नंबर, उसमें नवल का नंबर है ही उस पे। हाँ, उनके उस पे दिखाई दे जाएगा। उसमें मैं एक चीज मैडम बोलना चाहूंगा, जो ताकत है वो इटसेल्फ एनफ फॉर एडेनियम्स। उसके अंदर सारी चीजें हैं, उसके अंदर जो भी ह्यूमिक एसिड या जिब्रेलिक एसिड या साइटोकिनिन, जो भी ग्रोथ के लिए चाहिए, फ्लावरिंग के लिए चाहिए, वो सारी चीजें ताकत के अंदर हैं। उसमें 2 ग्राम एनपीके अगर आप मिलाकर 1 लीटर पानी में आप दें हफ्ते में, जो सीजन का टाइम है, हफ्ते में एक बार दें, तो वो काफी है एडेनियम के फीडिंग के लिए। लेकिन अगर वो नहीं लेना चाह रहे हैं, आप बाहर से नहीं मंगाना चाह रहे हैं, या उसको यूज नहीं करना है, तो मैंने जो मिक्सर बताया है वो आप बना के रखें और वो हफ्ते में एक बार दे दिया करें, फिर वो धीरे धीरे कम करते जाना है, फिर 15 दिन में एक बार दें, फिर महीने में एक बार दें, और फिर बंद कर दें उसको फीडिंग। सर, आप तो ये मार्च से स्टार्ट करना है और अक्टूबर नवंबर तक बंद कर देना, मैक्सिमम अक्टूबर तक फीडिंग करनी है या सितंबर तक फीडिंग करनी है, सितंबर के एंड तक, उसके बाद फीडिंग नहीं करनी है और पानी भी धीरे धीरे कम करते जाना है। सर, आपने जो मिक्सर बताया उसकी बहुत रिक्वेस्ट आई है, उसको फिर से रिपीट कर दीजिए। जी जी, मैं बोलना चाहूंगा 1 kg बोन मील। Members, please note down, write it down now. Thank you. हाँ सर बताएं। 1 kg bone meal, 500 grams नीम खली, 250 grams सुपर फॉस्फेट, 200 grams DAP, 100 ग्राम्स एनपीके 1900 या 2020,
और 50 ग्राम पोटाश, ये आप मिक्सर बना के किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लें, और ये ऐसा मिक्सर बनाएं जो एक या दो महीने में खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें कई डीएपी कई बार जो हमारा मौसम जो जिसमें ह्यूमिड वेदर में ये पानी वगैरह छोड़ने लग जाते हैं, तो बेहतर है कि आप एक या दो महीने के अंदर इसको खत्म कर लें और फिर नया बना लें। सर, अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, चलता रहता है, कोई इशू नहीं है, आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नया बना लें महीने दो महीने में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा सर, वी हैव अ ग्रुप फोटोग्राफ राइट नाउ, उसके बाद आप कुछ मेंबर्स पूछना मांगते हैं सीड्स कब लगाए जाने चाहिए और वो उसके ग्रोथ के बारे में, तो फिर आप वो बता सकते हैं सर। आई जस्ट वील जस्ट हैव अ विवेक, कैन वी हैव अ ग्रुप फोटोग्राफ प्लीज? हेलो विवेक, यस यस प्लीज, या प्लीज रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू स्विच ऑन देयर वीडियोस, थैंक यू। विवेक, आर वी डन? यस, थैंक यू। अच्छा राहुल जी, आप सीड्स का ठीक लगाने का टाइम कितनी देर आफ्टर द सीड्स आर कलेक्टेड, उनकी वायबिलिटी कितनी देर रहती है वो बता दें प्लीज, और उसको सीड है, सीड पॉड एक्चुअली जो सीजन के अंदर कभी भी सीड पॉड आप हम लगा सकते हैं, और सीड पॉड लगाने का जो सबसे अच्छा मीडिया जो है वो कोकोपीट है। आप कोकोपीट नीचे डालकर और उसके ऊपर आप सीड डाल दें, उसके ऊपर फिर से कोकोपीट आप लगा लें, तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ लेता है सीड कोकोपीट के अंदर। जो एक महीने के अंदर अगर आपके पास सीड पॉड तैयार हो गया है, तो उसमें जितने भी सीड हैं वो एक महीने के अंदर उसको आप लगा लेंगे, तो मैक्सिमम सीड उसमें डेवलप हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। जितना डिले करते जाएंगे उनके जर्मिनेशन की चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं। तो पूरे सीजन में आप सितंबर तक कभी भी आप अपने सीड को आप जर्मिनेशन के लिए डाल सकते हैं कोकोपीट के अंदर। तो कितने टाइम लग जाएगा जर्मिनेशन होने में, कितना? मैडम ये एक महीने के अंदर दिख जाते हैं, एक महीने के अंदर बाहर आ जाते हैं, अगर प्रॉपर पानी वगैरह दे रहे हैं तो एक महीने में जर्मिनेट हो जाते हैं ये। Any more questions, please? अच्छा हाँ सर, there are more questions coming up. वो जाने नहीं देंगे आपको. Can we do pruning now or are we late? नहीं, अब pruning बिल्कुल नहीं करनी है। मैं तो बताया, pruning हम February end या March के first week में करते हैं, और पूरे season हम pinching करते हैं फिर. Pruning हम एक ही time करते हैं. Pinching आप October September end तक कर सकते हैं, right? September end तक कर सकते हैं आप पिंचिंग। Okay. Any more questions, member, please? Hello. So ये जो mixture आपने बताया है, it can be used for every other plant, right? Also. कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें actually थोड़ा इसमें difference होता है मैडम, पोटास का और एनपीके जो है, ये basically एनपीके तैयार होता है। एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, दीज आर कॉल्ड द मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो एडेनियम्स के अंदर नाइट्रोजन कम और पोटास ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजन इसलिए कम हम रखते हैं कि नाइट्रोजन से प्लांट्स के अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा आता है, और पोटास अगर ज्यादा होगा तो फ्लावरिंग बहुत ज्यादा आता है। तो हम कोशिश करते हैं पोटास ज्यादा हो और नाइट्रोजन की मात्रा कम हो, ताकि ग्रोथ कम रहे और फ्लावरिंग ज्यादा करे, तो हमारी कोशिश ये होती है। सर, एक लेडी मेंबर कहती है कि अपना कोकोपीट में इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट अबाउट वाटरिंग, तो कैसे पता चलेगा दिस इज द टाइम टू वाटर द प्लांट? कोकोपीट में वाटर रिटेनिंग पावर बहुत ज्यादा है कोकोपीट के अंदर। मैंने एक ही बात बताई है, जब किसी भी मीडिया में, जब ऊपर का मीडिया अगर ड्राई हो गया
तो आप पानी डालो, अगर ऊपर का मीडिया अगर आपको गीला लग रहा है तो पानी डालने की जरूरत नहीं है। सेम विद कोकोपीट, अगर कोकोपीट ऊपर से ड्राई लग रहा है तो पानी देना है, अगर ऊपर से ड्राई नहीं लग रहा है तो पानी देने की जरूरत नहीं। और कोकोपीट में तो 4 साल 5 साल मैंने कोकोपीट के अंदर गुलाब उगाए हुए हैं और अभी भी कुछ गुलाब मेरे कोकोपीट के अंदर ही चल रहे हैं, और पिछले 5 साल से मैंने उनके कोकोपीट चेंज ही नहीं किए, जस्ट कि मैं देखना चाह रहा हूँ उसको, बस एक समझो आप मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि एक कोकोपीट कितने दिन तक प्लांट के अंदर रह सकता है और उसके अंदर क्या निगेटिव होता है और क्या पॉजिटिव होता है, ये सिर्फ देखना है मेरे को। 5 साल से मैंने एक गुलाब के अंदर कोकोपीट चेंज नहीं किया मैंने, और 5 साल से वो उस गुलाब में बहुत अच्छा चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है उस गुलाब के अंदर। बस फंगीसाइड वगैरह मैं डालता रहता हूँ, फीडिंग दे रहा हूँ, वाटरिंग कर रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मेरे सारे एडेनियम्स भी पहले कोकोपीट में थे, लेकिन कोकोपीट के अंदर एडेनियम्स जो होती है प्रॉब्लम तब होती है जब एडेनियम्स बहुत बड़े हो जाते हैं, तो या तो उसका पॉट बहुत बड़ा करो और तब उसमें कोकोपीट डाल के एडेनियम लगाओ, नहीं तो खंगर इज द बेस्ट मीडिया। वो लाइट वेटेड है और उसमें कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, कभी एडेनियम्स के अंदर प्लांट्स मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। राहुल सर, आई थिंक आपने काफी सिचुएशन, काफी क्वेश्चंस और जो लोगों की प्रॉब्लम्स ही क्लियर कर दी हैं। ग्राफ्टिंग पे एक बार बार पूछ रहे हैं, बट वो तो दैट विल बी अनदर कंप्लीट टॉपिक बाय इटसेल्फ, सो इट वुड बी, नहीं पूछिए अगर हो सके तो मैं बता दूंगा मैडम, प्लीज। तो आप ग्राफ्टिंग के बारे में भी बता दें और विंटर केयर के बारे में बता दें प्लीज। ग्राफ्टिंग कैसे करना है ये बताना है? हाँ जी, ग्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं सर? तो फिर प्रैक्टिकली मेरे को बताना पड़ेगा, वर्बली अगर समझ जाएंगे तो सर, लेकिन मेरे को समझ नहीं आती मैडम, ग्राफ्टिंग की जरूरत होती नहीं है जब ग्राफ्टेड एडेनियम समय सारे मिल रहे हैं ऑलरेडी। सर वही चक्कर है ना, कोई एक्सपेरिमेंट करना मांगते होंगे। नहीं वो तो फिर वो एक अलग सेशन हम रख लेंगे, या तो कैसे ग्राफ्ट करना है तो वो उसमें टाइम लग जाएगा। Next, that's what I said, वो तो एक पूरा टॉपिक by itself हो जाएगा। हाँ, वो तो पूरा एक टॉपिक हो जाएगा फिर तो। Next February March में प्लार शो के बाद। हाँ बिल्कुल 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 कर लेंगे। अभी तो मुश्किल काम है वो करना। दूसरा मैंने आपसे क्या पूछना था? हाँ एक क्वेश्चन आ गए, फटाफट सर मैं बताती हूँ आपको। उन्होंने कहा वो अभी क्या फंगीसाइड विंटर केयर की बात कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी, और एक है कि मेरे 5 साल से फ्लावरिंग ही नहीं हुई उनके प्लांट में। 5 साल से फ्लावरिंग नहीं हुई है? हाँ जी, और वो जो आप एक कह रहे थे ना कि हमारे स्टेम लंबी हो रही है और फ्लावरिंग नहीं आ रही, तो उनका फॉलो अप आया कि मेरे प्लांट तो धूप में ही है। धूप में? हाँ जी, मगर फ्लावरिंग नहीं है। तो वो ग्राफ्टेड है या क्या है उनको? मैडम एक काम करें आप उनका जो एडेनियम का जो फोटोग्राफ है वो मेरे को आप जरूर भेजें, और दूसरा ये उनको आप मेरा नंबर दे दीजिए, मैं उनको व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूंगा मैं। या तो उसका कई एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनका जो रूट स्टॉक पे ही वो चल रहा होगा, उनका जो ग्राफ्टेड पार्ट है वो ग्राफ्टेड पार्ट खत्म हो गया होगा, रूट स्टॉक वाला एडेनियम चल, जैसे गुलाब के अंदर जंगली गुलाब होते हैं जो नीचे से निकल जाते हैं, लंबे लंबे होते चले जाते हैं, कुछ इस तरह का या तो हुआ होगा, या उनका जो ग्राफ्टेड एडेनियम जो है वो वहां से खत्म हो, जो जहां ग्राफ्ट हुआ होगा वो खत्म हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा मैडम। तो एक बार मेरे को फोटोग्राफ देखना होगा और शायद उससे मेरे को कुछ सीखने को मिल जाए क्या रीजन है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अगर धूप में अगर है एडेनियम तो फ्लावरिंग होना होना है, नहीं होने का तो मतलब नहीं बनता है। या तो वो रूट स्टॉक पे होगा, ग्राफ्टेड नहीं होगा वो। कई बार रूट स्टॉक जो रूट स्टॉक फ्लावरिंग नहीं आता है और वो एडेनियम्स एक जंगली जो एडेनियम्स होते हैं वी कैन से जैसे जंगली गुलाब होता है वैसे जंगली एडेनियम्स होते हैं जिस पे फ्लावरिंग नहीं आते हैं, उस पे ग्राफ्टिंग करेंगे तभी वो डेवलप कर पाएंगे, तभी वो अच्छा फूल दे पाएंगे। तो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा उनका प्लांट मैडम। विल डू सर। विंटर केयर पे बता दें बिफोर वी थैंक यू। विंटर केयर में मैंने बताया पानी बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है, आप पूरे विंटर में कभी पानी मत दो, सिर्फ आप ये रखो कि फंगीसाइड महीने में एक बार जरूर हम रूट जोन में डालें ताकि उसके अंदर कीड़ा नहीं लगे, और अगर आप खंगर में है तो आप अगर पानी अगर चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिट्टी वालों को तो पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए।
विंटर केयर में दूसरा एक चीज और मैंने देखा पीछे पिछले साल मैंने देखा कि अगर मैं ऊपर से ब्रांच को प्रून कर दे रहा हूं, मैं जैसे अगर कोई एक ब्रांच निकला उसको पर मैं प्रून कर दे रहा हूं, तो उस प्लांट में मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, वो प्लांट मेरा खराब नहीं हुआ। लेकिन किसी में अगर प्रून मैंने नहीं किया तो ऊपर से वो फंगस लगना शुरू होता है, ऊपर से डीके होना शुरू हो जा रहा है, ठंड की वजह से ठंड भी लग जाती है कई बार। तो आप एक चीज और ये कर सकते हैं कि जैसे अगर ये स्टेम है तो विंटर में, विंटर के समय में यहां से प्रून कर दें, तो जो इसका टीप होता है वो डीके करना रुक जाता है, वो डीके नहीं होता है, वो वहीं पे वो आगे बढ़ता नहीं है उसके अंदर बीमारी। तो ये भी आप कर सकते हैं और ये करके देखें, हो सकता है। मेरे को ये लास्ट टाइम मैंने अभी कोशिश की है इसको करने की और उसमें मेरे को थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ हूं मैं, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसमें कोई बीमारी नहीं लगी। तो ऊपर से आप प्रून भी कर सकते हैं, प्लस महीने में एक बार फंगीसाइड जरूर आप उसके अंदर डालें और पानी जितना कम से कम हो ठंड के मौसम में एडेनियम में पानी अवॉइड करें, मतलब सितंबर एंड बिगिनिंग अक्टूबर में प्रूनिंग थोड़ी थोड़ी करके छोड़ दें, तो ये करके छोड़ दें उससे फायदा पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा राहुल जी, थैंक यू सो वेरी मच, आज आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉर्ट आउट करी, इतनी कंफ्यूजन जो थैंक यू मैडम, वेलकम मैडम, एंड दिस इज आवर अप्रिसिएशन फॉर अ वेरी वेल कंडक्टेड वेबिनार आपने जो, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू विद अस नेक्स्ट मंथ ऑन रोजेस नाउ। थैंक यू सो मच डेफिनेटली मैडम, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। थैंक यू मैडम, नमस्कार, सबको नमस्कार। Thank you everyone. Thank you for joining.